आई नो मुझे आज क्या करना है। आज उस रानी लक्ष्मी बाई के फर्स्ट दर्शन में मार डालूंगा, और वो भी उसकी प्यारी प्रजा के सामने। फिर मेरी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड। इंग्लिश गन के सामने ना कोई इंडियन टिका है, ना ही कोई टिक सकता है। And Ross is never wrong. अल्लाह, ये रानी जानकी बाई साहेब कहाँ रह गई? हमें पता था आपसे गलती हो ही नहीं सकती, बस हमारी आंखें धोखा खा गई। हाँ, वो कहते हैं ना कि बढ़ती उम्र के साथ साथ नजरें कमजोर हो जाती है, तो हमें तो शुरू से ही पता था कि हमारी महारानी एकदम निर्दोष है। इसीलिए तो हम रानी जानकी बाई और लच्छू बाई की तरह अंग्रेजी अफसर के जाल में नहीं फंसे। या अल्लाह, ये कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर? हम तो अपनी महारानी की नियत पहले से ही पहचानते हैं, इसीलिए तो उन्हें बचाने के लिए वो कदमों के निशान वाली तहकीकात की थी। खुदा बस खता ना कराए, हमारी महारानी है ही लाजवाब। होश उड़ा दिए ना वो अंग्रेज कैप्टन रॉस की। ये शिकस्त ना वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, याद तो रहेगी, पर ना जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज रॉस साहेब कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आज का दिन पूरी झांसी को याद रहेगा। जय मां काली। महाराज और महारानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे शिष्य की प्राप्ति कर आज इस गुरु को गर्व का अनुभव हो रहा है। मेरा निर्देश कभी भी आपके लिए आदेश नहीं रहा, किंतु आपने सदैव मेरी बात का मान रखा। अभिमान है मुझे कि आपने मेरी बात सुनी, अपने हृदय की बात मानी। आप सदैव सदैव अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, क्योंकि आप महान हैं, आपकी आत्मा महान है, देवी हैं आप, मां दुर्गा का रूप। आपका जन्म हुआ है झांसी पूरे हिंदुस्तान का उद्धार करने के लिए। मुझे वो सूर्य उदय साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आपके कारण इस देश का उज्जवल भविष्य लेकर आएगा।
विजय भव। अब आप इन साधु बाबा की भविष्यवाणी को स्वयं पर हावी मत होने दीजिएगा। एक प्रजा साधु बाबा हो या किसान, अपने राजा और रानी को वो ईश्वर का स्थान देते हैं। झांसी की प्रजा अपनी महारानी को देखने के लिए उत्सुक है, तो कम से कम हमें उनके लिए मर्यादित रूप से पेश आना होगा। और ध्यान रहे, यहां की प्रजा अपनी महारानी को प्रतिष्ठित रूप में देखना चाहती है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी मान मर्यादा का ध्यान रखें। वो मणिकर्णिका देवी बनकर दराती है ना, तो आज उस झांसी की रानी को छोड़ूंगा नहीं। हे देवा, बस कुछ ही क्षण बाद झांसी की प्रजा के समक्ष हमारा प्रथम दर्शन है। आशीर्वाद दो देवा कि हमारी प्रजा हमें सहित्र स्वीकार कर ले। प्रजा के हृदय को जीत कर ही हम महाराज के टूटे विश्वास को फिर से जीत सकते हैं। हे झांसी की पवित्र भूमि, इस रानी लक्ष्मीबाई को अपने संतान के रूप में स्वीकार करना। हमें इतनी शक्ति देना कि झांसी की माटी और प्रजा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके और अपनी अंतिम सांस तक झांसी के मान सम्मान और अभिमान पर कोई आंच ना आने दे। महारानी साहब, महादेव जानते हैं पूरी झांसी आपको देखने के लिए उमड़ पड़ी है। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है जैसे हमारे झांसी में सारे त्योहार एक साथ ही मनाए जा रहे हो। और तो और, सबके चेहरे पर इतनी खुशी है जैसे मट्टू हलवाई की सारी मिठाइयां एक बार में ही मिल गई हो। जानत है महारानी साहब बड़ी दयालु है। हाँ, और तनिक भी घमंड नहीं है महारानी में। और बहुत निर्भीक भी है। देखा नहीं था हमारे पशुओं को बचाने के लिए घोरों से भी भिड़ गई थी। हाँ, और किसी का दुख तो देख ही नहीं सकती। देखो ना, विधवाओं का भी भला कर दिया महारानी साहिबा ने। वो सब तो ठीक है, पर असल में रानी साहिबा का स्वभाव कैसा है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उन्हें पहले दर्शन में उपहार देंगे। हाँ। देखते हैं हम गरीबों का उपहार वो स्वीकार करती हैं या नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इस प्रथम दर्शन का उद्देश्य है। हाँ। चलिए देखते हैं। कर लेंगी। मेरा घोड़ा निकालो। हरिया साहब, ऐसी हालत में आप गिर सकते हैं। How dare you defy my orders? काल तेर दूंगा तुम्हारी। गलती हो गई मालिक, अभी निकलता हूं। आओ यहां, झुको। हे
अम्मी जान, क्या आपको सच में ऐसा लगता है महारानी साहिबा ये हमारा मामूली सा दुपट्टा कबूल करेंगी? अरे बिटिया, महारानी भी वालिदा जैसी होती है, और एक वालिदा अपनी बच्ची के लिए उनके नजराने की कीमत नहीं, उसके अंदर छुपे हुए जज्बात को देखती है। हम लोग की हैसियत ही क्या है जो महारानी को भेंट दे सके? वो तो बस एक प्रथम दर्शन की परंपरा चली आ रही है, जिसमें प्रजा अपनी महारानी की विनम्रता देखती है। इसमें हम ये नहीं देखते कि महारानी प्रजा को क्या देती हैं, ये देखती हैं कि वो प्रजा के द्वारा दी गई चीज को कैसे स्वीकार करती हैं। बाबा, महारानी जी के प्रथम दर्शन करना इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा वो हमारी महारानी है, रक्षक है हमारी। रक्षक, माय फुट, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि जिसके दर्शन के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है, और उस क्वीन की असली औकात क्या है। रक्षक, अरे खुद को तो प्रोटेक्ट कर ले, वो तुम्हारी क्वीन। ये चमक दमक, ये खुशियाँ जानती है किस लिए है? या अल्लाह, आप कहती क्या है? क्यों नहीं पता होगा, महारानी के दर्शन की है। नहीं, हमारे अरमानों की अर्थी उठने की। वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी रानी जानकी बाई, अब आपकी बोलती क्यों बंद है? समय आने दीजिए, फिर बोलती बंद तो आप दोनों की करेंगे हम। पर आज तो रॉस साहेब को लक्ष्मीबाई की सांसें बंद करनी है। रॉस साहेब आज कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज वो बिल्कुल होश में नहीं है। हाथ में ताकत नहीं है क्या? खुदा बस खता ना कराए, रानी जानकी बाई साहेब के दाव तो उल्टे ही पड़ रहे हैं। आपने कितना दिल से सोचा था कि महाराज महारानी को कबूल ही ना करें, लेकिन यहाँ देखिए देखिए, पूरी झांसी महारानी को कबूल करने के लिए बेकरार है। और आपकी जासूसी का क्या? उसका क्या? हमेशा आपकी जासूसी आपको दोषी ठहराती है। अपने हृदय को मत जलाइए, बल्कि अपने हृदय और कान दोनों मजबूत कर लीजिए। कुछ ही क्षण में महारानी की जय जयकार होने वाली है। रॉस साहब कहाँ रह गए? Where are you, Lakshmi Bai? झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई पधार रही है।
झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज की जय। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जय। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज की जय। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज की जय। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जय। रॉस साहब ने तो कुछ ज्यादा ही पी ली है, लगता है इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमें ही कुछ करना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई, अब परंपरा के अनुसार इस दिए को आप प्रज्वलित कीजिए। शतरंज के खेल में भले ही हम थोड़े कच्चे हैं, पर असल जीवन में शय और मात देने में हम माहिर हैं। हे देवा, ये क्या हो गया? हमारी प्रजा का दिया हुआ अनमोल उपहार जलकर खाक हो गया। हे राम, हे भगवान, महारानी साहिबा ने हम गरीबों के उपहारों को नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी प्रजा की भावनाओं का अनादर किया है। उन्होंने जानबूझ के ये उपहारों में आग लगा दी। हमारा नजराना जल गया अम्मी जान। महारानी साहब ने हमारे सारे उपहार जला दिए। लगता है महारानी बड़ी कठोर है। अरे देख क्या रहे हो, ये महारानी घमंडी है। हमें भी पता था महारानी इतनी निर्दयी निकलेगी। हमारे सारे उपहार जला दिए। अंततः आपकी खुशियों में हमने आग लगा ही दी महारानी लक्ष्मीबाई साहिब। हम कितने प्यार से लेकर आए थे, हम महारानी का बहिष्कार करते हैं। जाते हैं, हम नहीं आएंगे। ये क्या कर दिया आपने? अपनी प्रजा को नाराज कर दिया। अरे महारानी रमाबाई तो छोड़िए, अगर हम भी प्रजा के सामने खड़े होते हैं तो हमें सम्मान के साथ लोग प्रणाम करते हैं। आपने तो हमारे परिवार की और महाराज की इज्जत मिट्टी में मिला दी। महारानी लक्ष्मीबाई देखिए किस प्रकार
उल्टे मुंह दर्शन कर रहे हैं आपके। अब क्वीन को मारने की क्या जरूरत है जब इनकी प्रजा ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया और इस इंसल्ट से तो वो जीते जी मर गई होंगी। वही हुआ जिसका हमें भय था। हमारी प्रजा ने आपको अस्वीकार कर दिया। मैंने आपको कितना सिखाया था, यहां तक कि आपसे विनती तक की थी, आपने एक बार फिर हमारा सर झुका दिया। नहीं महाराज, प्रजा ने हमें अस्वीकार नहीं किया है। बस उनकी आशय निराशा में बदल गई है। इस घटना की सच्चाई जाने बिना उन्होंने हमें दोषी मान लिया है। पर जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, पर हमें स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। ना केवल हम प्रजा के हृदय में स्थान बनाएंगे बल्कि उनका भरोसा भी जीतेंगे, और वो भी अपने पद के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर। हम साबित कर देंगे हम केवल सिंहासन पर नहीं बल्कि अपने प्रजा के हृदय पर राज करने वाली महारानी है, झांसी की महारानी। महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो जब महारानी रमाबाई साहब के कदम हमारी झांसी में पड़े थे। चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां थी, और उनके पहले प्रजा दर्शन पे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी झांसी में दिवाली आ गई हो। कितना सम्मान कितना स्नेह दिया था उन्हें पूरी प्रजा ने, और आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। या अल्लाह, रमाबाई साहब तो महारानी थी। खुदा बस खता ना कराए अगर हम भी झरोखे में खड़े हो जाते तो हमारी भी जय जयकार होती ना। झांसी की अवाम ने महारानी की जो बेइज्जती की, दर्शन करने आए थे और उल्टे पैर चले गए। तौबा तौबा तौबा, ऐसा आलम तो हमने कभी नहीं देखा था। ये अपमान केवल महारानी का नहीं बल्कि पूरे नेवलकर परिवार का है। इनके दर्शन तो सफल नहीं हुए परंतु हमारी नाक सबके सामने कट गई। आइए राजपुरोहित जी, आइए। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। ये कैसा रिश्ता लेकर आए आप हमारे महाराज के लिए? अरे आप राजपुरोहित हैं। पुरोहित का अर्थ होता है लोगों का हित चाहने वाला। ये आप कैसी शत्रुता निभा रहे हैं हमारे साथ, महाराज का अपमान करके? हम तो ये सोच सोच कर घबरा रहे हैं कि जिस महारानी को आवाम ने ही ठुकरा दिया वो तो सिर्फ नाम की महारानी बनकर रह जाएगी, और वो भी जिंदगी भर। महाराज, हमारी प्रजा ने तो महारानी लक्ष्मीबाई को अस्वीकार कर दिया। अब हमें डर है कि कहीं आपको भी महाराज के रूप में अस्वीकार ना करते।
फिर तो आपके हाथ से राज सिंहासन भी चला जाएगा, वो भी आपकी धर्मपत्नी के कारण। घर का भेदी लंका ढाए, आप तीनों तो उस दीमक के समान हैं जो अपने ही घर को खोखला कर रही हैं, और रानी लक्ष्मीबाई साहब ही हैं जो आपके षड्यंत्र को असफल कर आप लोगों को सही रास्ते पर ला सकती हैं। और हमें विश्वास है कि इनसे अच्छी महारानी झांसी की प्रजा को मिल ही नहीं सकती। आई साहब, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि प्रजा ने हमें अस्वीकार कर दिया, पर हम जानते हैं प्रजा ने हमें अस्वीकार नहीं किया है, और ना ही नेवलकर खानदान के सम्मान को ठेस पहुंची है। हमारी प्रजा बस भ्रमित हुई है और हम उन्हें अवश्य जागृत करेंगे, उनकी इस निराशा को आशा में अवश्य बदलेंगे। अच्छा, अब कौन सा नया तमाशा करेंगी आप सबके सामने, वो भी प्रजा को आशा देने के लिए? ये महाराज की प्रजा है और उन्हें अपनी प्रजा को संभालने दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान बस आप में ही समाहित है? जाने दीजिए रानी जानकी बाई, इनको समझाना तो ऐसे जैसे पत्थर पर सर पटकने वाली बात हो। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें हमारा सर पत्थर पर पटकने का कोई शौक नहीं। आज्ञा दीजिए। से एक दीपक भी प्रज्वलित नहीं कर पाई। हमारी प्रजा अपनी महारानी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने आई थी, पर आक्रोश दिखाकर चली गई, और ये सब हुआ रानी लक्ष्मीबाई की लापरवाही के कारण। तुम सब कहाँ जा रही हो? महाराज ने हमें सूरज महल में रहने का आदेश दिया है ना, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। पता नहीं कैसे, पर ये बात हमारे ध्यान से निकल गई। अब तुम सब भी हमें छोड़कर चली जाओगी? हम बस अभी आते हैं। ये हमारी तरफ से तुम लोगों के लिए छोटा सा उपहार, ये हमेशा हमारी याद दिलाएगा। आपने हमारे लिए इतना किया है, हम आपको ऐसे ही जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और आपकी याद दिलाने के लिए इन सब उपहारों की जरूरत नहीं है। महारानी साहिब, ये जीवन भी तो आपने हमें दिया है, हम जब भी खुलकर सांस लेंगे आपको ही याद करेंगे। पर हम सब आपके बिना अकेले हैं महारानी साहिब। अपने आप को कभी भी अकेला और विवश मत समझना, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार आवाज लगा कर देखना, हम तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। आखिर तुम सब हमारी पहली सेना हो, हमारी महान नारी सेना, जिनकी साहस की गाथा युग युगांतर तक सुनाई जाएगी। और आप जब भी हमें आवाज देंगी, आपकी ये नारी सेना आपके सामने खड़ी होगी। बाबा आप युद्ध कला में निपुण अचूक तलवार। बाबा, हम मंजरी को इन लोगों के साथ जाने नहीं दे सकते। क्षमा करना मंजरी, हमारे सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए हम तुम्हें भिटूर से झांसी लेकर आए थे, पर हम असफल हो गए। तुम्हें यहाँ भी कितनी यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ी। हे देवा, आज का दिन इतना निराशाजनक क्यों है? झांसी की प्रजा की प्रतिक्रिया से महाराज भी हताश हो गए हैं। मुझे इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ देवा।